आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर पहले था आज भी वही पार्टनर रहेंगे, लेकिन इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेस होगी। यानी मानकर चलते हैं कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर है और इन तीनों के बीच का रेशियो 3:2:1 था, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वल। मतलब अब इन लोगों ने तय किया कि अब इन लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 1:1:1 में होगा। तो रेशियो में चेंजेस हुआ, मतलब राइट्स में भी चेंज होगा, अधिकार चेंज हो गया। अब किसी का हिस्सा ऑब्वियसली इंक्रीज होगा तो किसी का राइट्स कुछ घट जाएगा। रेशियो में जब भी चेंजेस होगा अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब जो पार्टनर था अभी भी वही है, कोई नया आ नहीं रहा और ना कोई नया पार्टनर कोई यहां से जा रहा है, उन्हीं पार्टनर्स के बीच में सिर्फ रेशियो में चेंजेस हो रही है। रेशियो में चेंजेस होने का मतलब हर चीज में इन लोगों का परिवर्तन होगा, अधिकार में परिवर्तन होगा। तो कोई सैक्रिफाइस करेगा तो कोई गेन करेगा। रेशियो में परिवर्तन होने का 100% कंफर्म रहो, कोई सैक्रिफाइस करेगा कोई गेन करेगा या फिर कोई इक्वल ही रहेगा, ना सैक्रिफाइस करेगा ना गेन करेगा। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। इसके लिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा और साथ में न्यू रेशियो भी दिया रहेगा। ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर लो। ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 का लोग का रेशियो था। अभी इन लोगों ने मान लो डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगा, तो 3:6 ए का ओल्ड रेशियो था, उसमें से माइनस करो 1/3 जो भी आएगा। बी का भी निकाल लो, सी का भी निकाल लो। निकालने के बाद आप एक चीज को जरूर नोटिस करना कि किसी का माइनस में आ रहा है किसी का प्लस में आ रहा है। मेरा जो फॉर्मूला है, ओल्ड में से आप जब न्यू घटाते हो तो अगर पॉजिटिव आती है तो उसको हम सैक्रिफाइस मानते हैं, अगर माइनस में आता है तो उसको गेन मानते हैं। कोई कोई टीचर क्या कहता है, न्यू से ओल्ड घटाता है तो रिवर्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम जो लेकर चलते हैं उसको आप समझ लो कि ओल्ड में से हम न्यू माइनस करते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, अगर नेगेटिव आया तो गेन, अगर कुछ नहीं आता है जीरो आता है जीरो बाय समथिंग आता है तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। लेकिन एक बात कंफर्म, कोई सैक्रिफाइस करेगा तो 100% जितना से सैक्रिफाइस करेगा अगला उतना से गेन भी करेगा। अगर दो व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है तो दोनों मिलकर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है इक्विवेलेंट तीसरा उतना गेन कर रहा है, यानी जितना माइनस होगा उतना प्लस पे भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सैक्रिफाइस और गेन को निकाल लेते हैं। अब आप एक बात समझो, आपका एक बैलेंस शीट तो होगा ही, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप फार्म चला रहे हो, तीन पार्टनर हो, आपके बीच का एक रेशियो है, तो बैलेंस शीट तो होगा ही। बैलेंस शीट में क्या रहता है, कैपिटल रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, WCF भी रह सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी रह सकता है, एसेट्स वगैरह तो रहेगा ही। अब आज अगर आप रेशियो में चेंजेस करोगे तो हर चीज में आपका राइट्स बदल जाएगा। आज अगर आप 6 रुपया जनरल रिजर्व में रखे हो, आपका रेशियो 3:2:1 था पहले, तो ऑब्वियसली उस 6 रुपया में किसी का 3 रुपया, किसी का 2 रुपया, किसी का 1 रुपया का हक है। आज अगर आप इक्वल पार्टनर बन जाते हो तो अब वो हक बदल जाएगा, अब उस 6 रुपया में 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया तीनों का हक होगा। तो खुद सोच के देखो, जो 3 रुपया जिसका हक था आज उसको अगर 2 रुपया हक हो जाएगा तो वो 1 रुपया लॉस कर रहा है, और जिसका 1 रुपया हिस्सा था उसको 2 रुपया मिल रहा है तो उसको 1 रुपया का फायदा हो रही है, और जिसका 2 रुपया था 2 ही रुपया मिला तो उसको ना फायदा ना लॉस। तो ऐसा होने से जिसका लॉस हो रहा क्या वो छोड़ देगा, जिसका फायदा हो रहा वो बोला ठीक है, लेकिन जिसका घाटा हो रहा वो तो नहीं छोड़ेगा। तो यहां पर क्या करना होगा, या तो आप नया रेशियो को अप्लाई करने से पहले आप उस 6 रुपया को आपस में बांट के खत्म कर लो कि भैया अपना अपना पैसा ले लो, अब न्यू रेशियो लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसको चेंज नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व 6 रुपया कल भी था आज भी रहेगा परसों आने वाले दिन भी रहेगा, रेशियो में चेंजेस हो रही है, तो एक काम करो जिसको 1 रुपया फायदा हुआ उसको बोलो कि वो अपना पर्सनली अपना अकाउंट से 1 रुपया उसके खाते में डाल दे, जिसको 1 रुपया का घाटा हुआ तब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका तो 2 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है ना रेशियो के अनुसार। आने वाले दिन में उस 6 रुपया का जब आप बांटोगे तो उसको 1 ही रुपया मिलेगा, लेकिन उसका तो हिस्से में 2 रुपया था। तो एक काम करो उसको अपना पॉकेट से 1 रुपया बोलो कि उसको दे देगा, ताकि उसको अब कोई टेंशन नहीं रहेगा, चलो 2 रुपया में तुमको 1 रुपया इधर से मिल गया, अब उसको 1 रुपया हमको मिल जाएगा इन फ्यूचर, तुमको कोई लॉस नहीं हुआ। अगला को भी अगर 3 रुपया मिल रहा है तो वो अपना पर्सनली 1 रुपया दे के ना 3 रुपया मिल रहा है। तो इस तरह से दो चीज होती है, जब रेशियो में परिवर्तन होता है तो पहले हम लोग तो सैक्रिफाइस और गेन निकालिए, अब हमको यहाँ पर इफेक्ट्स को देखना। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाया कि जनरल रिजर्व में क्या इफेक्ट्स पड़ता है, उसी तरह जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में,
फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर, WCF इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन फंड, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। तो हम इसको बताते हैं कि किस पर क्या असर पड़ेगा। मानकर चलते हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 60,000 पूरे फार्म का गुडविल है। एक बात हमेशा याद रखना, गुडविल का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या आपको अगर कोई मेथड से गुडविल को वैल्यूएशन कर लेना पड़ रहा है तो पहले आप कर लो। और गुडविल को कभी भी ओल्ड रेशियो में नहीं बांटी जाती है, ये हमेशा याद रखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंजेस होती है तो उसके मामले में गुडविल जब भी रहेगा उसको एडजस्टिंग रेशियो में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एडजस्टिंग मतलब सर जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा, जो गेन किया उसको देना पड़ेगा, जो कुछ नहीं किया उसको कुछ नहीं होगा। यानी अगर गुडविल 60,000 है, मान लो एक ने सैक्रिफाइस किया 1/5, तीसरे ने गेन किया 1/5, तो गुडविल का 60,000 का 1/5 निकाल लो, क्योंकि एक ने सैक्रिफाइस किया एक ने गेन किया, जो कुछ नहीं किया उससे तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1/5 माइनस वाला भी जो निकालोगे तो 12,000 आएगा, प्लस का भी 1/5 निकाल दो 12,000, यानी जो सैक्रिफाइस किया उसको 12,000 देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सी सैक्रिफाइस किया तो सी को 12,000 देना पड़ेगा। हु विल गिव दिस अमाउंट? ऑब्वियसली ए देगा, अगर ए ने गेन किया तो ए को 12,000 रुपया सी को दे देना पड़ेगा। तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एडजस्टिंग एंट्री। यानी एडजस्ट कर दिया जा रहा है, 60,000 रुपया रहेगा लेकिन जिसको घाटा लग रहा वो पर्सनली जो गेन किया वो दे देगा, तो इसको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। गुडविल के मामले में कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होता, जब भी गुडविल दिया रहेगा चेंज इन रेशियो में तो हमेशा एडजस्टिंग एंट्री पास करना। और वो एंट्री क्या होगा, जो गेन किया उसको डेबिट करो, जो सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करो। सपोज ए गेन किया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 60,000, 12,000, क्योंकि 1/5 से गेन किया था, 1/5 से सैक्रिफाइस किया था, तो 1/5 ऑफ 60,000 दैट विल बी 12,000। ठीक है, तो गुडविल हमेशा एडजस्टिंग रेशियो के साथ ट्रीट की जाती है। अब रहा सवाल जनरल रिजर्व रहे तो सर उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रहे उसको क्या करेंगे, WCF रहा तो उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहा तो उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमको बनाना पड़े उससे प्रॉफिट या लॉस आए तो उसका क्या करेंगे, इतना हम लोगों को जानना होगा। चले आते हैं जनरल रिजर्व के मामले में। जनरल रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, दोनों को एक साथ समझा रहे, सेम थिंग होगा, नाम बदल जाएगा। यहां पर देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब जैसे कि अभी हमने क्या बोला था कि 6 रुपया है भाई, नया रेशियो लग रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा, झमेला में नहीं पड़ना है, बांट के खत्म कर दो, जो जितना जमा किया तो लेके निकल जाओ, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टर्ब करना या डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चाहे जनरल रिजर्व रहे चाहे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऐसा तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो सर कैसे समझेंगे कि डिस्टर्ब करना है डिस्टर्ब करना है या नहीं करना। अगर क्वेश्चन में डिस्टर्ब या डू नॉट डिस्टर्ब को लेकर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको एज्यूम्ड कर लेना होगा कि इसे डिस्टर्ब कर ही दिया गया है, कुछ नहीं लिखा रहा है तो डिस्टर्ब मानकर बना देंगे। अगर बोल दिया डू नॉट डिस्टर्ब तो क्या करेंगे, जैसे गुडविल के साथ की एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगा। सर मान लीजिए कि जनरल रिजर्व में 18,000 है तो क्या करेंगे, वही 1/5 माइनस जो किया था, 1/5 जो प्लस किया था, 1/5 निकाल लो 18,000 का, जो भी आएगा एंट्री पास कर दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग। तो सर हम लोग एक काम भी तो कर सकते हैं, गुडविल का 16,000 और जनरल रिजर्व का 18,000 दोनों को प्लस कर लेते हैं और एक ही एंट्री में मार देते हैं, चलेगा वो भी। 16,000 प्लस 18,000 कितना हो गया 78,000, 1/5 ऑफ 78,000 निकाल लेंगे, जो भी आएगा सिंगल एंट्री पास कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो जो जो चीज देख रहे हो कि आपको एडजस्टिंग एंट्री में डालना है तो इंडिविजुअल एंट्री क्यों करें, सबको एक साथ प्लस कर लो फिर उसका एंट्री पास कर दो, सिंगल एंट्री में आ जाएगा। जब ओल्ड रेशियो में बांटना होगा तो आप कोशिश करना इंडिविजुअली एंट्री पास करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब करना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, पीएल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में बांटना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, इस तरह से बांट देंगे। चलो, लेकिन अगर मान लो तीनों को बोला था कि डू नॉट डिस्टर्ब, ना जनरल रिजर्व डिस्टर्ब होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्टर्ब होगा, तो क्या करेंगे, गुडविल का 60,000, जनरल रिजर्व का 18,000, पीएल अकाउंट का 12,000, सबको जोड़ दो और जोड़ के माइनस 1/5 निकाल लो, प्लस 1/5 निकाल दो, फिर एंट्री वही एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एक सिंगल एंट्री में हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता पास ए सिंगल एंट्री, पास ए सिंगल एंट्री का मतलब क्या हुआ, वही एडजस्टिंग एंट्री, सबको एक साथ जोड़ के 1/5 करके निकाल दो,
1/5 मतलब तुम जो कैलकुलेट किए हो वहां मान लेते हैं, हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया ना कि -1/5 आया और इसका +1/5 आया, बीच वाले का जीरो आया, तो दोनों के हिसाब से जनरल एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इसको दिमाग में रखना है। और जब डिस्टर्ब करने के लिए बोलेगा तो जिसको डिस्टर्ब करना है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में बांट देंगे। यहां तक हुआ। चलो कभी कभी क्या होता जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होती है, बैलेंस का एसेट साइड में दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में देने का मतलब होता है लॉस। अब देखना है कि उसको डिस्टर्ब करना है या नहीं करना, अगर डिस्टर्ब करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, अभी आप जब डिस्टर्ब किए तो क्या एंट्री लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, अब यहाँ लॉसेज है ना, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है, तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवर्स एंट्री हो गया। सर मान लीजिए एडजस्टिंग एंट्री करना रहता तो आप क्या करते, क्यों गुडविल का 60,000, जनरल रिजर्व का 18,000 और पीएल का 12,000, तो उसको प्लस नहीं करते, 60,000 और 18,000 78,000 है, 78,000 है, उसमें 12,000 का माइनस कर दोगे, क्यों सर? तो लॉस है तो उसको प्लस नहीं कर सकते, अगर वो क्रेडिट बैलेंस होता, अगर वो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होता तो उसको प्लस कर देते, एसेट साइड में है तो लॉस है तो उसको हम लोग माइनस करके उसके बाद टोटल निकालेंगे, फिर उसको 1/5 निकाल के एज कैपिटल टू सी कैपिटल लिखेंगे। अब आया समझ में, पीएल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस जो होती है वो एसेट साइड में दिखती है, क्रेडिट बैलेंस जो होती है वो लायबिलिटी साइड में दिखती है, क्लियर। अब आते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में मान लेते हैं कि 40,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, अब देखना ही है कि क्या कोई क्लेम वगैरह हुई है, हाँ सर क्लेम हुआ है, कितना हुआ है 16,000 क्लेम हुआ है, तो ठीक है उस पर एंट्री पास कर दो। जनरली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का जो अमाउंट होती है, क्लेम होगा तो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, नहीं होगा तो भी ओल्ड रेशियो में ही बांट देना, ठीक है। तो जो मान लो 60, मान लो जनरल रिजर्व सॉरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 40,000 है, 16,000 का क्लेम हुआ है, तो रेस्ट 24,000 जो बचा 24,000 इसे ओल्ड रेशियो में बांट देना है। एंट्री क्या होगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 16,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, वो जो 24,000 बचा एबीसी में 3:2:1 में बांट दो, हो गया ये कमाल। अगर क्लेम नहीं होता तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, यानी क्लेम होगा तो क्रेडिट में टू क्लेम भी दिखेगा और जितना क्लेम नहीं होगा उसको बांटना है, क्लियर। ये हो गया डब्ल्यूसीएफ का अकाउंट। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होती क्या है? आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए एसेट्स है, आपने 50,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने एसेट साइड में बैलेंस शीट में क्या दिखा दिया, मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लेकिन ये मार्केट में जो आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया ये हो सकता है आपके लिए फायदा भी करे, आगे जाके ये 60,000 हो जाए 70,000 हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फॉल कर गया, आपका वो 50,000 45,000 पे आ गया, 40,000 पे आ गया, आपको झटका लगा 5,000-10,000 का, उस समय अपने आप को कैसे संभालोगे? तो इसके लिए आप पहले से क्या करते हो, प्रिपेयर रहते हो। कैसे प्रिपेयर रहोगे? आप पहले से ही हर साल जो प्रॉफिट होती है उसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से पहले से जमा करके रखते हो कि कल दिन अगर हमको इन्वेस्टमेंट धोखा दे दे, 5,000-10,000 मार्केट में गिर जाए तो हम उसको इस फंड से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बढ़ गया तब तो कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट 50,000 से 60,000 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 50,000 से 45,000 हो गया, 40,000 हो गया तो प्रॉब्लम है। तो जब वो प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने तो उस प्रॉब्लम को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर लेंगे। तो मानकर चलते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 है और मार्केट में कुछ बोला ही नहीं है, एडजस्टमेंट में ना बढ़ा है ना घटा है, कुछ बोला नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो मेरा लायबिलिटी साइड में 20,000 रुपया रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हमारा कितना है 20,000 और इधर इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है 50,000, अभी कोई मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दिखा रहा। मार्केट वैल्यू का मतलब वो जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है ना घटा, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो 20,000 है उसको हम डायरेक्टली ए बी सी के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल टू सीज कैपिटल ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सॉरी इन्वेस्टमेंट जो 50,000 था वो 55,000 हो गया, बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 20,000 है उसे ही बांट दो, फिर से ए बी सी में बांट देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो 50,000 था वो 45 या 40,000 हो गया, 5,000 या 10,000, चलो हम 40,000 मानते हैं, यानी 10,000 से वो मार्केट में गिर गया, तो वो जो 20,000 मेरा रखा हुआ उसमें से हम 10,000 वहां से एडजस्ट करेंगे और बाकी का 10,000 को एबीसी में बांटेंगे। एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हुआ टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, रेस्ट 10,000 को 3:2:1 में बांट देंगे। इस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी ट्रीट करते हैं।
ठीक है। लास्ट आते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना पड़ती है? जब भी हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, यानी कोई भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया घट गया, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया घट गया, तो उस स्थिति में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लिया करते हैं। अगर कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर कुछ बोला ही नहीं है तो हम लोग रिवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो चलो मान लेते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस हुई है, तो हम लोग एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम लोग जानते हैं कि इसमें दो साइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो भी लॉसेस होगा वो डेबिट में, जो भी फायदा होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो एसेट्स इंक्रीज किया तो क्रेडिट में लिखो, बाय एसेट्स जिस नाम से रहेगा उस नाम को शो करेंगे। कोई लॉसेस एसेट्स का वैल्यू गिर गया उसे डेबिट साइड में शो करेंगे। कोई भी लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया तो हमारे लिए लॉस है, डेबिट साइड में लिखो टू लाइबिलिटीज। कोई भी लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया तो हमारे लिए फायदा उसे क्रेडिट में लिखो। इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर एडलेस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। अगर क्रेडिट का जोड़ ज्यादा हुआ तो डेबिट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट का जोड़ ज्यादा हुआ तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लॉस। जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या जो भी रिवैल्यूएशन लॉस आएगा उसे हम लोग बांटेंगे, बट किस रेशियो में बांटेंगे ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होती है। कभी देखते हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट रहा है, और कभी देख रहे हैं कि वही सिंगल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री में दिखाया जा रहा है। तो सर कब क्या करेंगे? क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करो। क्वेश्चन में हो सकता लिखा रहेगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब होता है चेंजेस के साथ, यानी जो न्यू वैल्यू आया है उसको दिखाना बैलेंस शीट में। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो न्यू वैल्यू पे दिखाओ, मशीनरी का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिशिएशन चार्ज करके दिखाओ, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। या बोलता है कि प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट विथ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या? जो चेंजेस आया है, जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को दिखाते हुए बनाओ, यानी आपको चेंजेस को दिखाना है। तो आपको अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आप पढ़े हुए हो तो आपको याद रखना है कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां चेंजेस को दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि ऑल्टरेशन के साथ बनाना है या बोलेगा कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है, तो जो चीज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते हैं वही करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करते हो? ओल्ड रेशियो बांटते हैं। लॉस को क्या करते हो? ओल्ड रेशियो बांटते हो। तो यहां पर भी वही करना है। अगर रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है, अगर चेंजेस को दिखाना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप चेंजेस को दिखाते हो 100% दिखाते हो, बैलेंस शीट में जो भी एसेट बढ़ा घटा उसको दिखाते हो, तो रिवैल्यूएशन में क्या करते हो? ओल्ड रेशियो बांटते हो। यहां भी वही करना। अगर बोलेगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटोगे। मान लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। लॉस आए तो रिवर्स कर दो, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा कि नॉट रिवाइज्ड या नो अल्टरेशन विल बी शोन, यानी चेंजेस नहीं दिखाना है। जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग पहले 50,000 था, भले आज 60,000 हो गया, लेकिन आपको 60,000 नहीं लिखना, आपको 50,000 ही लिखना है। क्रेडिटर्स 10,000 था, उसमें 1,000 नहीं देना, लेकिन आपको बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 10,000 ही लिखना, यानी चेंजेस आप नहीं दिखाओगे। तो सर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे? वही जो गुडविल के साथ करते हैं, -1/5 इंटू मल्टीप्लाई करो, और यहां भी +1/5, यानी एडजस्टिंग एंट्री पास करो, और एंट्री क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, अगर आपको बोलेगा नॉट रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा उससे हम लोग सैक्रिफाइस और गेन के हिसाब से, यानी जो गुडविल के साथ करते हैं इसके साथ भी वही करेंगे। तो फाइनली जो जो अमाउंट आप सिंगल एंट्री में डालोगे सैक्रिफाइस टू गेन में, सॉरी गेन टू सैक्रिफाइस में, उसको एक बार में पहले ऐड कर लो कि हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को भी एडजस्टिंग एंट्री में डालना है। गुडविल तो कंफर्म है तो डालाएगा ही, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस को भी अगर कहीं बोल दिया कि डू नॉट डिस्टर्ब तो फिर सैक्रिफाइस और गेन में जाएगा। तो पहले कंफर्म कर लो कि किसको किसको एडजस्टिंग रेशियो में डालना है, उसको एक साथ प्लस कर लो और सिंगल एंट्री पास कर दो, 1/5 निकाल लो, और एंट्री क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। नर्सन क्या होगा? बीइंग द एडजस्टेड एंट्री मेड। लेकिन जिसको जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको जिसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, उसका सेपरेट जनरल एंट्री पास कर दो, जनरल रिजर्व टू एबीसी, प्रॉफिट एंड लॉस टू एबीसी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, या एबीसी टू रिवैल्यूएशन लॉसेस के मामले में। तो इस तरह से आपको ट्रीट करना होगा, ठीक है। और एक बात, अब जब बैलेंस शीट बनाओगे, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जाए, तो बैलेंस शीट बनाते समय जिसे जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो ओल्ड रेशियो में, वो बैलेंस शीट में अब नहीं दिखेगा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया दिखेगा नहीं। अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो, सिंगल एंट्री मारे हो, तो एज इट इज जैसे जनरल रिजर्व है, जैसे पीएल है, वो सब दिखेगा। यानी जिसको हम एडजस्टिंग एंट्री में डाले हैं वो एज इट इज वैसे ही दिखेगा, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड रेशियो में उसको नहीं दिखाना है। बस यही चीज है तुम्हारा। इसमें तुम लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिया जा सकता है, बट अभी तो आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहां पर आपको
कॉन्सेप्ट बेसिस में पूछा जाएगा, बस कॉन्सेप्ट ही काफी है इसके लिए। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि कब क्या करना है, किसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, किसको सैक्रिफाइस और गेन के हिसाब से बांटना है। इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे हमने एक छोटा सा वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश किया है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।